राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए एक बार फिर से जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया गया है। कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी में भी देखने को मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी की बवाना विधानसभा से उपाध्यक्ष शबीना आलिया द्वारा आम जन की सुविधाओं को देखते हुए आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस सुविधा का लाभ उठाया। कैंप के आयोजन पर शबीना आलिया ने बताया कि क्षेत्र में आधार माफियाओं का शिकंजा बढ़ता जा रहा था, जिस पर नियंत्रण करने और लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु ये कैंप लगवाया गया। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस कैंप में लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है। कैंप में आधार से जुड़ी सुविधा का लाभ लेने आए लोगों ने भी कहा कि इस कैंप के लगने से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से लोगों को दूर जाने से राहत मिलती है और इससे घर के नज़दीक ही सारे काम हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां प्राइवेट संस्थान द्वारा आधार कार्ड बनाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, वहीं इस कैंप के जरिए घर के नज़दीक ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज नहीं, पिछले 4 दिन से लगा हुआ है मेरे यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप, और यहाँ हमारे कॉलोनी में 3 लाख की आबादी है, जिसके वजह से आधार कार्ड माफिया जो यहाँ पे आधार कार्ड माफिया है 300, 400, 500 रुपया लेके अपडेट कर रहे हैं। न्यू बनाना है तो आपको उनको 500 रुपए देना पड़ता है, तो उसको देखकर लोगों ने मेरे पास ये शिकायत किया कि हमारे यहाँ आधार कार्ड के कैंप की बहुत ज्यादा नीड है। तो इसलिए मैंने विधायक जी से भी बात किया, अपने और भी जो साथी हैं उनसे बात कर ये बात किया कि हमारे यहाँ आधार कार्ड की कैंप चाहिए, तो उन्होंने आधार कार्ड का कैंप दिया। कह रहे आपके यहाँ 1 दिन का आधार कार्ड का कैंप से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब आधार कार्ड का कैंप हमारे यहाँ 8 दिन के लिए दिया गया है। तो 4 दिन हो चुका है, पिछले आज 15 तारीख है, कल 16 है, तो कल भी लगेगा। सैटरडे संडे को भी स्पेशल दिया गया है, ताकि जो लोग छुट्टी काम पे जाते हैं, जिनका काम होता है बहुत ज्यादा, उनके पास छुट्टी नहीं होती, आज के दिन वो छुट्टी करके अपना बनवाए। कम से कम इतने दिन हम लोग ने आज तक हमने करीब 800 से 900 लोगों का अभी तक आधार कार्ड अपडेट और न्यू बना दिए। मेरा नाम नासरीन है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, क्योंकि हम बाहर जाते थे 300-400 रुपए लेता था, और यहाँ पे ओनली 100 रुपए लेता है, और अच्छे से मतलब बन रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जी, हाँ यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और शबीना आलिया जी है, इन्होंने बताया हमें फेसबुक पे कि जहाँ यहाँ पे बन रहा है, इनके ऑफिस पे आए और बनवाए, हमने बनवाया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, हमारे एरिया में ही है ये चीज़, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें कुछ और सुविधा मिले। गौरतलब है कि दिल्ली में निगम के एकीकरण के बाद अब निगम चुनाव की आहट भी तेज हो गई है। निगम चुनाव की इसी सुगबुगाहट को देखते हुए अब स्थानीय नेता भी जनता से सीधे संपर्क कर अपना जनाधार बटोरने में जुट गए हैं, ताकि आगामी चुनाव में इसका उनके पार्टी और उनको फायदा मिल सके और सत्ता में अपनी कुर्सी हासिल कर सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।